चलो दोस्तों, ये वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा FL920। ठीक है, ये लाइट है डिकैथलॉन की, बीटविन की तरफ से है, बीटविन की लाइट है। दिखा देता हूँ, इधर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे कुछ ऊपर सिर्फ बताया गया कंटेंट्स, टॉर्च है, एक माउंट है और 3 O-rings हैं। ठीक है, इधर कुछ नहीं दिया, नीचे भी कुछ नहीं दिया है, ऊपर सिंपल बता हुआ है लाइट के बारे में। 11 लक्स की लाइट है। ठीक है, अब इसकी लूमन्स कितने हैं, लूमन्स ये रहा 11 लक्स, मतलब 200 लूमन्स, तो काफ़ी तगड़ी लाइट है, अच्छी रोशनी है इसकी। अगर आप ये लाइट को यूज़ करोगे तो, एक मिनट दोस्तों, पंखा बंद कर दो, पंखे से आवाज़ आती है ना तो आपको अच्छे तरीके से सुनेगा, नहीं तो पंखे की आवाज़ सुनती रहेगी हवा की। तो ये लाइट है, ठीक है, इससे इसको अगर आप लगाओगे अपनी साइकिल पे तो 30 मीटर दूर तक आप देख पाओगे ऑलमोस्ट, और बाकी आपको देख पाएंगे 1 किलोमीटर तक विजिबिलिटी आपकी आ जाएगी। और इस पे जैसे ऊपर एक छोटी सी ये लाइट है, अगर ये रेड जग गई तो मतलब कि आधे घंटे का बैकअप रह गया है, तो जल्दी से जल्दी इसको यहाँ तो चार्ज कर लो। हाँ, इसको आप साइकिल चलाते वक्त भी चार्ज कर सकते हो, यानी ऑन रहते वक्त भी ये चार्ज हो सकती है। ये सच है कि नहीं ये टेस्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें सिर्फ अनबॉक्सिंग। और ये है IPX4 रेटेड, ठीक है, यानी स्प्लैश प्रूफ है, इस पे थोड़ा बहुत पानी आ जाए तो उसका कोई चक्कर नहीं है। और इसको अगर आप चलाओगे, ठीक है, फुल पावर पे तो 1.5 घंटा, और हाफ पावर पे चलाओगे 4.5 लक्स पे 100 लूमेंस पे तो 3 आवर्स। ठीक है, और इसको अगर आप बैकलाइट चलाओगे रेगुलर तो 2 घंटे चलेगी, अगर आप इसको ब्लिंकिंग पे चलाओगे तो 3 घंटे चलेगी। और इसको आप हैंडल बार भी माउंट कर सकते हो और सीट पोस्ट के नीचे भी माउंट कर सकते हो, दो तरीके से यूज होती है। और इसकी जो MRP है वो 2499 है, बहुत लगभग 1 साल पुराना प्राइस इसका होता था 1500, अब इसका प्राइस है 1700। और अगर ऐसे गवर्नमेंट तेल और टैक्स बढ़ाती रही तो जल्दी से ये भी हो जाएगी 2000 की। मॉडल है इसका 92FL, USB केबल मिलती है साथ में, बैकअप के बारे में बता ही दिया आपको, हेडलाइट है ये, ठीक है, कलर इसमें रेड है, रेगुलर जगती है और स्ट्रोब वाला मोड है इस पर। तो इसको ओपन करते हैं, पैकिंग ये ऐसी है, इसको ओपन करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, हो सकता है आप इसको फाड़ी डालो खोलते खोलते, तो ध्यान से खोलना, क्योंकि अगर आपको रिटर्न करनी पड़ गई तो जो पैकिंग है वो सही होनी चाहिए। रिटर्न तभी हो सकता है जब इसके सारे कंटेंट्स सही हो और सेलेबल कंडीशन भी हो, ऐसा नहीं आप 2 महीने यूज करके लाइट को स्क्रैच वैच पड़ गए हैं, उसके ऊपर गंदी हो गई है और फिर आप रिटर्न करने चल जाओ तो रिटर्न नहीं होने वाली। और ये रही हमारी लाइट, साथ में आपको मिलता है एक टाटा केबल, ये टॉर्च लाइट है, ठीक है, टॉर्च है, साइकिलिंग वाली टॉर्च, और ये है ओरिंग, तीन अलग अलग साइज है, जैसा भी आपका हैंडल का साइज रहता है उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। और यह है इसका माउंट, ये माउंट इसके अंदर इतनी खतरनाक तरीके से माउंट हुआ होता है, इसको निकालने में बहुत दिक्कत आती है। और निकालते हैं इसको लाइट को, ये रही अपनी लाइट। अब डाटा केबल तो जो है ये है Micro USB, ओल्ड वाली डाटा केबल, ठीक है, जो आजकल सिर्फ सस्ते फोनों के साथ आती है वही वाला है। और ये रही अपनी मेन लाइट, यहाँ पे ये ग्रिपी सा टेक्सचर है इसका, ठीक है, एल्यूमिनियम टाइप का, तो बढ़िया है, जो हीट डिसिपेशन है वो अच्छी होगी। ऊपर यहाँ डिकैथलॉन की ब्रांडिंग है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और ये है रबर की बॉडी है बाकी, ठीक है, ये यहाँ पे ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो Micro USB केबल से, जो मोबाइल का चार्जर है या डाटा केबल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, कहीं से भी चार्ज कर सकते हो। और इसको अगर आपने खुला छोड़ दिया तो लाइट झिंगा लाला हो जाएगी, अगर बारिश हो गई खराब हो जाएगी और इसकी वारंटी नहीं मिलेगी, और इसीलिए इसको ढंग से पूरे तरीके से बंद करके रखना ऐसे। और ये इसका माउंटिंग सिस्टम है, सिंपल है, ये वाला माउंट लगाना है साइकिल पे,
ऐसे लगा के बस इसको घुमा देना है और इंस्टॉल हो जाएगी। ये रहा इसका जो बटन है जहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, और बिल्कुल पिद्दू सी लाइट है इसके अंदर, आप देख सकते हो। एक बारी दबाओगे फुल पावर पे जग जाएगी, काफ़ी तेज है, इसके अंदर देखना मुश्किल है, आंखें दर्द करनी शुरू होती है। और ये हाफ पावर है, और ये क्या लाइट लाइन से आ रही है, हाफ पावर है। अब ये स्ट्रोब है, और ये है बैक वाली, अगर आपने रेड वाली जगह के बैक सीट के नीचे लगानी है, बैक सीट बोल रहा हूँ, सीट के नीचे लगानी है। और दोबारा चलाओगे तो ब्लिंकिंग हो जाएगी स्टार्ट इसकी, और दोबारा चलाओगे तो फ्रंट फुल पावर पे, ये हाफ पावर होगी, ये स्ट्रोब। बंद करनी है तो इसको दबा के रखना है। बीटविन की आप देख सकते हो इस पे जो है ब्रांडिंग की गई है, तो अच्छी क्वालिटी की लाइट है दोस्तों, 1700 की लाइट है। इसको थोड़ी और टेस्टिंग करेंगे, चार्जिंग के टाइम ये चलती है, इसको यूज कर सकते हो, और अंधेरे में साइकिल पे लगा के। वैसे 200 लूमन्स है, 200 लूमन्स काफी होते हैं, अच्छी लाइट होती है 200 लूमन्स में। अब ये डिपेंड करता है 200 लूमन्स आपको कितनी स्पीड तक माफिक है, क्योंकि जितनी साइकिल की स्पीड होती है उतनी ही ज्यादा, जैसे इंक्रीज होती रहती है साइकिल की स्पीड, उतनी ही ज्यादा की आपको रोशनी की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कम लाइट कम स्पीड, ज्यादा लाइट ज्यादा स्पीड पे काम आ जाएगी, ठीक है। मैं तो प्रेफर करता हूँ, मेरी कई बार स्पीड ज्यादा होती है, मैं प्रेफर करता हूँ एक ये लाइट लगा ली और एक छोटी लाइट इससे, या एक सेम ऐसी लाइट ही लगा लेता हूँ। तो दोस्तों लाइट तो मेरे को फर्स्ट हैंड रिव्यू, ठीक है, फर्स्ट हैंड रिव्यू बोलते हैं, फर्स्ट हैंड इम्प्रेशंस बोलते हैं, मेरे फर्स्ट हैंड इम्प्रेशंस तो अच्छे हैं लाइट के बारे में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यूज करके देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, आपको भी मैं ट्राई करता हूँ रियल लाइफ सिचुएशन में, ठीक है, यूज करके देखता हूँ, नॉर्मल ट्रैफिक में भी और बिल्कुल अंधेरे में भी यूज करके देखूंगा और आपके साथ भी वो शेयर करूंगा। सो दोस्तों मेरे को आप बताना कैसी लगी ये वीडियो, और मेरे पास ये वाली लाइट भी मैं लेके आया था, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, बट इसका जो रिव्यू है, रियल लाइफ रिव्यू, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसका तो मैंने एक चीज देख ली, इसके अंदर रोशनी इतनी है ना, ये फैलती कम है, एक कंसंट्रेट होती है एक जगह पे रोशनी, और इतनी ज्यादा ना, आप इसकी हाफ करके, अपनी आंखें बंद करके इसकी लाइट को हाफ करके इसको अपनी आंखों की तरफ नहीं ऐसे कर सकते, इतनी ज्यादा रोशनी है, बहुत ही ज्यादा। ये इससे तो मैं इम्प्रेस हो गया। सेल वाली भले ही है, 5 सेल डलते हैं फ्रंट और बैक दोनों में, बट भाई क्या लाइट है इसकी, ये 1300 की है और ये वाली 1700 की है। ये चार्जेबल है, अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो 2-2.5 साल में इसका पैसा वसूल हो जाएगा, बट अगर आप ये यूज करते हो, रेगुलर यूज करोगे, तो आपको चार्जिंग सेल्स अगर आपके पास है तो बेटर है, नहीं तो पैसा बहुत लगने वाला है, क्योंकि ड्यूरासेल आपको पता ही है कितने महंगे होते हैं, ठीक है। इसके इसमें अंदर भी एल्काइन वाले सेल ही हैं, तो बैकअप तो ठीक ठाक मिल जाएगा, इसके ऊपर लिखा है 2 आवर्स का, इसके ऊपर यहाँ इससे मिल जाएगा 102 घंटे का, पर जो फ्रंट वाली है, फ्रंट वाली पे आपको मिल जाएगा बैकअप कितना है, किधर, हाँ 44 आवर्स अगर हाफ पे चलाते हो, 33 आवर्स अगर फुल पे चलाते हो, तो महीना तो निकल जाएगा, यानी 50 या 100 का आता होगा सेल, तो उससे 1 महीना, तो वैसे भी ठीक है। तो दोनों को टेस्ट करेंगे और दोनों की वीडियो बनाएंगे। और सो दोस्तों मेरे को बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो।